तुम्हारा भाई और कोई ढंग की बात करे, ऐसा कयामत वाले दिन ही होगा। उम्मीद तुमने फिर से भाई से लड़ाई कर ली है। हाँ तो उनको लड़ने झगड़ने के अलावा और आते ही क्या। शायद इसीलिए फरजाद भाई की बजाय तुम्हारी दोस्ती हसद से हो गई। हाँ और इसी दोस्ती को वो जबरदस्ती रिश्तेदारी का नाम देने पर तुला हुआ है, मगर मैं उसके इरादों में ना उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। तो तुम असद से शादी नहीं कर रही हो? मैं कहाँ कर रही हूँ, अगर पाशा साहब के इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं, उनका बस चले ना तो वो मुझे आज ही रुखसत कर। असद के साथ फिलहाल तो उनके पास यही ऑप्शन है, और उस असद को तो देखो डायरेक्ट मुंह उठाकर रिश्ता ही मांग लिया है, और अब पता नहीं कहाँ मुंह छुपाकर बैठ गया, ना कॉल उठा रहा है ना मेरे सामने आ रहा है। मैंने सोचा था उसके साथ बिजनेस करूंगी, फिर अब तो बिजनेस पार्टनरशिप का भी अल्लाह ही हाफिज है। तो अब तुम क्या करोगी? फिलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे एक कप कॉफी पिला दो ताकि मेरा दिमाग चले। हे तुमने कब से कॉफी पीना शुरू कर दी है? कॉफी नहीं, वो मुंह से फिसल गया था, चाय। चाय मंगवा लो जल्दी से। चाय नो कॉफी।